फीफा वर्ल्ड कप 2022 के सीजन में शनिवार देर रात को चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच हुआ, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस और इंग्लैंड के बीच रोमांचक जंग देखने को मिली। मैच में फ्रांस ने शानदार अंदाज में 2-1 से मैच जीतकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। ये पहला मौका है जब फ्रांस ने इंग्लैंड को हराया। सेमीफाइनल में अब फ्रांस का मुकाबला टूर्नामेंट में लगातार उलटफेर करती आ रही मोरक्को से होगा। जर्सी में हुए जोरदार गैस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई, कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। धमाका इतना जोरदार था कि यह भूकंप मॉनिटर में दर्ज हो गया। गैस धमाके में कई फ्लैट ढह गए, जिसके मलबे में 10 से ज्यादा लोग दब गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धमाके में पूरा मलबा सड़क पर बिखरा हुआ था। हवा में धुएं का गुबार नजर आने लगा। अधिकारियों के मुताबिक खोज और बचाव अभियान में कई दिन लग सकते हैं। साथ ही अधिकारी लोगों से अफवाहों से बचने की नसीहत दे रखी है। छत्तीसगढ़ के मंत्री का हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी अधिकारियों पर भड़कते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन सरकारी जमीन पर राख के ढेर को देखकर भड़क गए। बोला था मैडम कि ये सब मेरी विधानसभा। मंत्री ने अधिकारियों को कोयले का ट्रांसपोर्टेशन पर तुरंत रोक लगाने का फरमान सुना दिया। अधिकारियों ने तमाम दलील दी, लेकिन मंत्री जी का गुस्सा सातवें आसमान पर रहा। उन्होंने तो हफ्ते भर की डेडलाइन देते हुए कलेक्टर का तबादला तक कराने की धमकी दे डाली। दरअसल कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे थे, जिससे मंत्री जयसिंह अग्रवाल और नाराज हो गए। बाहर नहीं बताया, कोरबा में बैठा हुआ घर पे। कोई उसकी ना तबीयत खराब है और ना और कुछ है। मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछ लिया, कोई परमिशन नहीं लिया उसे छुट्टी का, झूठ बोल के गायब हुआ है। नाराज मंत्री के सामने दूसरे अधिकारी डर के मारे कुछ बोल तक नहीं पाए और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे।